आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। What is meant by geological time scale? Why is it necessary to determine the age of fossils? पूछा गया है पहले कि geological time scale होता क्या है, और दूसरे में पूछा गया है कि वो कैसे यूज होता है किसी भी फॉसिल के या फिर फॉसिल के एज को पता लगाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। तो ये एक ऐसा टेबल है जिसमें शो किया जाता है कि कौन सा इवेंट कौन से सीक्वेंस में, कौन से एराज में या फिर पीरियड्स, इपॉक इसमें डिवाइड किए गए हैं। और पूरा जो टाइम फेज है जब से अर्थ बना है तब से आज को लेके इतने पूरे टाइम पीरियड को जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अच्छे तरह से शो किया गया है विद डिफरेंट एराज, सीक्वेंस, पीरियड, इपॉक। और इसी से समझ में आता है कि कौन से टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ के सरफेस में आया था और उसका कितना टाइम पीरियड वो यहाँ पे लीड किया है और कब वो एक्सटिंक्ट हुआ है या फिर कब इवोल्यूशन टेक प्लेस किया है। और यही सारे चीज़ें जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बहुत अच्छे तरह से टेब्यूलर फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो एराज तीन टाइप के डिवाइडेड है। एक है सीनोजोइक एरा, दूसरा है मेसोजोइक एरा जिसको डायनासोर का एरा भी कहा जाता है, और लास्ट आता है पेलियाजोइक एरा। वहीं पे अगर हम लोग पीरियड्स का बात करें तो बहुत सारे पीरियड्स भी दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ हैं क्वार्टेनरी, टर्शियरी या फिर क्रिटेशियस, और ऐसे ही बहुत सारे पीरियड्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं जो कि सिंबलाइज करते हैं कि कौन से पीरियड में रेप्टाइल्स आए थे अर्थ में, कौन से में एम्फीबियंस आए थे, या फिर कौन से पीरियड में ह्यूमंस या फिर मैमल्स जो हैं वो भी अर्थ में आए थे। यही सारे चीज़ मिला के जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार होता है। अब नेक्स्ट अगर इससे का बात करें तो क्यों ये डिटरमाइंड या फिर नेसेसरी होता है एज ऑफ फॉसिल के लिए। तो फॉसिल्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम लोग कह सकते हैं या फिर ऐसे टुकड़े होते हैं जो कि बहुत साल पहले अपना इम्प्रेशन जो है वो किसी रॉक में या फिर लीफ में छोड़ के गए थे, और वही चीज आज के टाइम में साइंटिस्ट जो है वो निकालते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर से या फिर सॉइल के अंदर से। और उनके स्टडी से ही हम लोग को पता चलता है कि हमारा अर्थ जो था या फिर इवोल्यूशन जो है उसका पाथ कैसा था। तो यही सारे चीजों को फॉसिल कहा जाता है जो कि बहुत साल पहले अर्थ में लिव करते थे लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंसेस के लिए वो डाई आउट कर गए। तो यही चीज है कि ये लोग किस चीज के लिए नेसेसरी है। तो ये सारे फॉसिल्स जो है ये प्रूव करते हैं कि कब हमारे अर्थ में कितना लाइफ फॉर्म कॉम्प्लेक्सिटी था और कैसा अर्थ का सर्फेस था या फिर कैसे अर्थ के मॉड्यूल्स थे ये समझने के लिए, और वो अपना लाइफ टाइम कितना जिया है और कब एक्सटिंक्ट हुआ है और किस टाइप का एक्सटिंक्शन जो है उनको फेस करना पड़ रहा है। और यही सारी चीजें मिला के डिटरमाइन होते हैं कितना नेसेसिटी होता है ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, क्योंकि इसी से हम लोग एक ग्राफ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इतने सालों के अर्थ में कौन से एक्टिविटीज जो है वो टेक प्लेस किए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।